हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है। खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने जनरल नॉलेज यानी जी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूं फॉर ग्रुप डी एंड सी एच एस एल कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, जो होता है जिसको SSC भी शॉर्ट में कर सकते हैं, उसका उस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ यानी पार्ट वन। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, जापान्स पार्लियामेंट इज नोन एज, यानी जापान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, डाइट कहते हैं। जापान्स पार्लियामेंट इज नोन एज डाइट। क्वेश्चन नंबर टू है, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट जो है मुश्तमल होता है किन पर? लोकसभा ओनली, ऑप्शन नंबर टू है लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर थ्री है राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑप्शन नंबर फोर है द प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, द प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो तीन चीजों पर मुश्तमल होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन, ऑप्शन नंबर एक है वाट, ऑप्शन नंबर टू है जोल, ऑप्शन नंबर थ्री है जूल, ऑप्शन नंबर थ्री है जूल एंड कोलम्ब, ऑप्शन नंबर फोर है न्यूटन सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, जूल एंड कोलम्ब, जूल या कोलम्ब। क्वेश्चन नंबर फोर है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए कौन से आला का इस्तेमाल किया जाता है? एनोमोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, पेरिलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, लॉर्ड डलहौजी, जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन, एन एंजाइम, ए प्रोटीन एंड एन एमिनो एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये एक विटामिन है, विटामिन सी का जो एस्कॉर्बिक विटामिन सी को कहते हैं, ये एक विटामिन है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन इंडिया इज, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर एट है, उपनिषद आर बुक्स ऑन, उपनिषद एक बुक की नाम है वो किस पर है? रिलीजन, योगा, लॉ, फिलोसफी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिलोसफी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार इम्तिहान में पूछा गया है, उपनिषद आर बुक्स ऑन, फिलोसफी पे है ये। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन ओवन, चूल्हा में कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है? एक्सरेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर टेन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेज कंटेंट्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, ऑप्शन नंबर एक है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर फोर है समरवेद, ऑप्शन नंबर थ्री है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर थ्री है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? बैरोग्राफ, बैरोमीटर, एमीटर, बाइनोकुलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इंडिया विंस फ्रीडम ये जो है किसकी
ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अब्दुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी। ये बहुत ही, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार इम्तहान में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। ऑप्शन नंबर एक है राइनोसेरस, ऑप्शन नंबर टू है टाइगर, ऑप्शन नंबर थ्री है लायन, ऑप्शन नंबर फोर है क्रोकोडाइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, राइनोसेरस। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है वो राइनोसेरस के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रिवर आल्सो नोन एज संगपो इन तिब्बत इज। ऑप्शन नंबर एक है गंगा, ऑप्शन नंबर टू है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर थ्री इंदु, ऑप्शन नंबर फोर है तीस्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इंसिडेंट लेड गांधी टू विदड्रॉ नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट। किस इंसिडेंट के दौरान गांधी जी ने नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर एक है ककोरी एपिसोड, ऑप्शन नंबर है चौरी चूरा एपिसोड, ऑप्शन नंबर है जलियांवाला वाला बाग एपिसोड, ऑप्शन नंबर है मुजफ्फरपुर एपिसोड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, चौरी चूरा एपिसोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1822 के दरमियान में चौरी चौरा एपिसोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंसिडेंट लेट गांधी टू 1922 ईस्वी में चौरी चौरा एपिसोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार इम्तहान में पूछा गया कि विच इंसिडेंट लेट गांधी टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज द हाइएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाइएस्ट पीक जो है चोटी है कौन सी है, सैडल पीक, माउंट ट्रुइलर, माउंट डियाबोलो, ऑप्शन नंबर फिर है माउंट कोयल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर एक है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर टू है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है जी गोपालन, ऑप्शन नंबर थ्री है एस राधाकृष्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वेल्कनो क्या है, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, किलायू, ऑप्शन नंबर है सीवियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, कोटोपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सेलेट, ऑप्शन नंबर सोडियम ऑक्सेलेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम एक्सेटेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कैल्शियम ऑक्सेलेट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाई। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, नोल एंड कोच, ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी है लिव वैन हॉक, ऑप्शन नंबर है जीपीएस वानसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, नोल एंड कोच। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन ए सोलर सिस्टम नाउ। अभी मौजूदा जो है सोलर सिस्टम में कितने सैयारे हैं, 6, 7, 8, 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, 8 सैयारे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। गदर मूवमेंट जो है तहरीक किसके जरिए बुनियाद डाली गई थी, अजीत सिंह, लाला हंसराज, ऑप्शन नंबर थ्री है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, लाला हरदयाल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार इम्तहान में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्धा मीन्स, बुद्धा के मतलब क्या होता है, द इनलाइटेंड वन, द रिलीजियस स्पिरिचुअल, ऑप्शन नंबर द जीनियस, ऑप्शन नंबर डी है द पावरफुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, द इनलाइटेंड वन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेक्रेट बुक ऑफ द बुद्धिस्ट। यानी बुद्धिस्ट का सबसे सेक्रेट बुक यानी उनकी मजहबी किताब का नाम क्या है, उपनिषद है, वेद्स है, त्रिपिटिका है, आर्यानयक है, आर्यन यक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, त्रिपिटिका। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डार्क कंटिनेंट इज, यानी किस
कंटिनेंट को, यानी एक होता है बहरे आजम और दूसरा होता है बर्रे आजम। तो बर्रे आजम, किस बर्रे आजम को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कंटिनेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार इम्तिहान में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द लार्जेस्ट ओशियन इज, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, दो बार इंडियन ओशियन आ गया, पैसिफिक ओशियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा 5 बहरे आजम है और 7 बर्रे आजम है, जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। और पैसिफिक ओशियन जो है 5 है, जिसमें सबसे पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, बहरे आजम जो है सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 27, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्कुरेंट लिस्ट, रेसिडोरी सब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कॉन्कुरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, पाकिस्तान। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, यानी सबसे ज़्यादा बहुतात किस मेटल की बहुतात है अर्थ क्रस्ट में? कैल्शियम, अल्मोनियम, आयरन, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अल्मोनियम। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए कौन सी स्केल इस्तेमाल की जाती है? रिक्टर है, मैट्रिक है, सेंटीग्रेड है, न्यूटन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिक्टर। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों फिकर।